Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 23. Today's topic is about a case study. Aaj jo aapko ek bahut interesting si story sunane wali hu. That is about a case study and it's about a Clearwater Seafoods. Hum baat karenge financial derivatives ke hawale se aur hum dekhenge ki is company ko kya different kinds ke risks jo hai wo face ho rahe hain aur how they can encounter them by using different type of financial derivatives in their strategy. तो हम बात करेंगे क्लियर वाटर सी फूड के हवाले से. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ सा उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, हिस्ट्री बताऊंगी और बताऊंगी कि वो किस तरह के बिजनेसेस में करंटली इन्वॉल्व हैं. उसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वुड सी के उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड देन वी विल कम अप विद सर्टेन क्वेश्चंस कि इनको अब हमने सॉल्व किस तरह से करना है या हाउ वुड यू रिकमेंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के हवाले से, कि हम इनको कुछ चीजें ऐसी ऑफर कर दें जिससे वे अपने प्रॉब्लम्स को किसी हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश करें. सो अ ब्रीफ हिस्ट्री. सबसे पहले क्लियर वाटर सी फूड की आपको हिस्ट्री बताऊंगी. अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, कि हम अपने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को अप्लाई किस तरह से करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. In mid-January 2006, Robert White, Vice President Finance and Chief Financial Officer for Clearwater Seafoods Income Fund, Clearwater, a seafood exporting company based in Nova Scotia, Canada, was preparing for a conference call scheduled in about a week with the financial community on the result of the year ending December 31st in 2005. अच्छा जी, साल के एंड के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रेजेंट होने जा रही है फाइनेंशियल कम्युनिटी. रिजल्ट्स जो पिछले साल के रिजल्ट्स थे उनको पेश करने वाले थे. द मेन रीजन फॉर सस्पेंशन, द फर्स्ट एवर सिंस द कंपनीज कन्वर्जन इनटू एन इनकम ट्रस्ट इन अगस्त 2002. अच्छा, कंपनी जो है वो इनकम फंड में कन्वर्ट होने जा रही है. एंड व्हाट इज इनकम फंड? इनकम फंड बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन उसको कुछ टैक्स एडवांटेजेस होते हैं. ठीक है, कैनेडियन बेस्ड कंपनी है जो कि इनकम फंड या ट्रस्ट में चेंज होने जा रही है. वाज दैट करेंसीज इन विच द कंपनी वाज अर्निंग इनकम वर लूजिंग वैल्यू रिलेटिव टू द कैनेडियन डॉलर इन विच द कंपनी वाज इनकरिंग एक्सपेंसेस. अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई कि सिंस इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो करेंसीज जो अर्न हो रही थी इन विच द कंपनी वाज अर्निंग इनकम वर लूजिंग वैल्यू रिलेटिव टू द कैनेडियन डॉलर इन विच द कंपनी वाज इनकरिंग एक्सपेंसेस. अच्छा, एक्सपेंस जो है वो किसी और करेंसी में हो रहे हैं और इनकम जो है वो किसी और करेंसी में जनरेट हो रही है. यहां से गैप जो है ना वो डेवलप होना शुरू हुआ. लाइक आप किसी और करेंसी में, क्योंकि करेंसी जो है ना वो डीवैल्यू हो रही है या लूज कर रही है वैल्यू, तो जिसमें आप अर्निंग कर रहे हो, जिस करेंसी में और करेंसी इन विच एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, दो डिफरेंट तरह की करेंसीज में डील कर रहे हैं जिसमें इनकम अकर हो रही है, जिसमें अर्निंग हो रही है, जिसमें अर्निंग जनरेट हो रही है उस करेंसी में एक्सपेंसेस जनरेट नहीं हो रहे. द करेंसीज इन विच द कंपनी वाज अर्निंग इनकम वर लूजिंग वैल्यू रिलेटिव टू द कैनेडियन डॉलर इन विच द कंपनी वाज इनकरिंग एक्सपेंसेस. तो करेंसी जो है वो किसी और उसमें जो है रेवेन्यूज किसी और करेंसी में जनरेट हो रहे हैं और एक्सपेंसेस जो है वो किसी और करेंसी में खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिंस करेंसी वाज लूजिंग वैल्यू इसलिए उन प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं. उनको समझ नहीं आ रहा कि हम इसका क्या करें. द नेगेटिव मार्केट रिएक्शन टू द सस्पेंशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैड बीन स्ट्रांग एंड स्विफ्ट. अच्छा जी, ये जो सस्पेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है? सस्पेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि जो आप अपने इनकम होल्डर्स को, इनकम फंड के इनकम होल्डर्स हैं,
उनको जो आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उसकी सस्पेंशन होगी. जाहिर है कंपनी की प्रॉफिटेबल नहीं हो रही क्योंकि रेवेन्यूज आर लेस एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस. और जो इनकम होल्डर्स हैं सिंस इट इज इनकम फंड, जो इनकम होल्डर्स हैं यानी जिनको आपने जिस तरह आप समझ लें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन सस्पेंस करनी पड़ रही है. क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो ओनली देन द शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, अदरवाइज नॉट. इसलिए जो कंपनी को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो अपनी अर्निंग्स उनकी कम है, एक्सपेंसेस उनकी ज्यादा हैं, करेंसी डीवैल्यू हो रही है जिसकी वजह से उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं और एज कम्पेयर टू दैट रेवेन्यूज उनके कम है. और साथ ही उसके ये कि जो इनकम होल्डर्स हैं उनको आप प्रॉपरली इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे एंड यू हैव टू सस्पेंड दिस एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द इनकम होल्डर. आप अपने इनकम होल्डर की इनकम को सस्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं. सस्पेंशन का मतलब यह कि थोड़े देर के लिए आप रोक दें ताकि जब जैसे ही कंपनी के हालात ठीक होंगे यू आर गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैम द अर्निंग्स. ये प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में. द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स डिक्लाइन 35%. नाउ थ्री मंथ्स लेटर the firm's major stakeholders were seeking assurance that the company had a strategy in place to deal with the exchange rate crisis and other operating challenges so that distribution could be reinstated. So problem is waqt ye aa rahi hai ki exchange rate crisis hai, unit declined by 35% and now 3 months later the firm's major stakeholders were seeking assurance that the company had a strategy to in place to deal with the exchange rate crisis. Jo currency ka jo unit hai that has declined 35% और अब तीन महीने के बाद जो है वो कंपनी फर्म के जो मेजर स्टॉक होल्डर्स हैं वो ये सोच रहे हैं दैट दे वर सीकिंग इश्योरेंस दैट द कंपनी हैड अ स्ट्रेटजी इन प्लेस टू डील विद द एक्सचेंज रेट क्राइसिस. तो एक्सचेंज रेट क्राइसिस से हमने डील करना है सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी रीइंस्टेटेड. वाइट वंडर्ड व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी विद विच टू टर्न द टाइड एंड चेंज इन्वेस्टर सेंटिमेंट. वाइट उनका एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, बार बार इसका नाम आ रहा है, वाइट इज द नेम ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. और वो इस बात पे परेशान है कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी विद विच टू टर्न द टाइड, यानी हम इस हालात को चेंज कर सकें एंड यू आर वी आर गोइंग टू चेंज द इन्वेस्टर सेंटिमेंट ताकि इन्वेस्टर भी दोबारा से मोटिवेट हो टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फर्म दैट इज द क्लियर वाटर सी फूड. फॉर मेनी ईयर्स द कंपनी हैड बेनिफिटेड फ्रॉम अ वीक कैनेडियन डॉलर विच हैड अलाउड क्लियर वाटर टू गेट मोर कैनेडियन डॉलर्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट सेल. अच्छा शुरू में यह था कि जो आपका क्लियर वाटर सी फूड का क्योंकि कैनेडियन डॉलर का जो पैटर्न था दैट वॉज वीक, तो उसकी वजह से क्लियर वाटर सी फूड ने बहुत बेनिफिट उठाया उस बात का कि बिकॉज उसकी जो सेल्स थी देवर प्रिटी हायर. अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना बता दे जाऊँ कि जिस भी कंट्री की ये पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना चाहते हैं या अपनी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को ग्लोबल लेवल के ऊपर बढ़ाना चाहते हैं या उसकी ग्रोथ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, वो अपनी करेंसी की वैल्यू को वीकर रखते हैं सो दैट जो रेवेन्यूज जनरेट होंगे उनको अपनी करेंसी में वो ज्यादा हो. सो दैट इज द स्ट्रेटजी. अब जो यहाँ पे जो क्लियर वाटर सी फूड में उनका जो एक उनको बेनिफिट हुआ वो ये था कि द कैनेडियन डॉलर वाज वीक so it allowed the clear water seafood to get more canadian dollars for its exports of sales so hence it was a plus point jab inki currency weak thi so that gave them a plus point so that they could allow to earn more revenues out of that but with the dramatic upswing of the canadian dollar clear water earnings from the sale of the seafood around the world and from foreign exchange operations were both taken a hit lekin hua ye कि अप स्विंग हो गया. आप हैरान हो रहे होंगे कि करेंसी के स्ट्रांग होने से उनको कैसे इफेक्ट आ रहा है. करेंसी के स्ट्रांग होने से उनको इसलिए ज्यादा इफेक्ट आ रहा है क्योंकि इनका मोटिव यह था कि ये अपनी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते थे. लेकिन जैसे ही इनकी एक्सपोर्ट्स जैसे ही जो कैनेडियन डॉलर है उसकी वैल्यू हाई होगी तो एकदम से उनके जो चीजें हैं जो उनकी ऑपरेशंस हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस दे वर हिट बैडली. This was evident in the rapid decrease in the EBITDA from 2003 to 2005. और ये बहुत साफ जाहिर था from the sharp decline of the EBITDA, that is earning before interest, depreciation and amortization from 2003 and 2005. You are aware about the EBITDA. It stands for earnings.
before interest, taxes, depreciation, D for depreciation, and amortization. You are familiar with this ratio. Yeh hai earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. E for earning, I for interest, T for taxes, D for depreciation, and A for amortization. So earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. So this was evident in the rapid decrease in the EBITDA from 2003 to 2005, which has come down. So let's move on. This had led to suspension of the distribution payments, forcing Clearwater in turn to revisit its short-term and long-term business priorities. अच्छा इस वजह से जो इनको exchange rate crisis आ गया, exchange rate crisis को अब डील करने के लिए जाहिर है इनके पास जो अर्निंग्स हैं वो EBITDA बहुत कम हो गई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो इसलिए उन्होंने उनको अपने इनकम होल्डर्स को अमाउंट्स जो हैं या जो उनका इनकम पोर्शन है वो देने के लिए इस एक्टिविटी को सस्पेंड करना पड़ा, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ प्रॉफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, आप इनकम होल्डर्स को इनकम देते हैं. सो फोर्सिंग क्लियर वाटर इन टर्न टू रीविजिट इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रायोरिटीज. और अब वो ये सोचने लगे हैं कि हाउ कैन दे रिवाइज देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रायोरिटीज सो दैट हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो दोबारा से पहले की तरह रीइंस्टेट हो जाएं और हम दोबारा से पहले वाली फॉर्म में आ जाएं, सो दैट वी कुड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू आर इनकम होल्डर्स. सो मूविंग ऑन, सो नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द क्लियर वाटर सी फूड एंड देन वी विल मूव ऑन. मैंने आपको बताया अभी तक इंट्रोडक्शन के हवाले से कि कंपनी है जिसने अपनी साल के ईयर एंड के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देनी है, अपनी ऑल ओवर दी जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट देनी है. और हुआ यह है कि कैनेडियन डॉलर वीक होने की वजह से क्लियर वाटर सी फूड ने एक टाइम तक काफी बेनिफिट लिया, बिकॉज इट वॉज इट्स मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड थी और उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इन्हांस करने के लिए अपनी ये स्ट्रेटेजी रखी हुई थी. लेकिन अब हुआ यह है कि क्लियर वाटर जो कैनेडियन डॉलर है उसकी जो वैल्यू है वो एकदम से राइज होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसको एक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का सामना है और उसको अपने जो इनकम होल्डर्स हैं, जो आपके यूनिट होल्डर्स हैं, उनको इनकम सस्पेंड करनी पड़ी है, क्योंकि उनकी जो EBITDA है या जो उनकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है वो बहुत लो हो गए हैं. लाइक उनके प्रॉफिट कम हो गए हैं, वो दे नहीं सक पा रहे अपने यूनिट होल्डर्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये प्रॉब्लम उनको फेस है. अच्छा अब हम और अब वो ये सोच रहे हैं कि हाउ कैन दे इंक्रीज देयर EBITDA सो दैट पहले की तरह उनके प्रॉफिट्स री इंस्टेट हो जाएं और वो अपने इनकम होल्डर्स को दोबारा से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकें. सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. अब हमने ये देखना है कि बिजनेस के हवाले से क्लियर वाटर सी फूड ये सोच रहा है कि हम अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा और एक्सप्लोर करें और हम उसको रिवाइज करें. ठीक है, अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में क्या चेंज आ सकती है, किस तरह से ये अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं, नए बिजनेस किस तरह से इन्वॉल्व अपने साथ कर सकते हैं, उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें कंपनी का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पता हो और हमें बैकग्राउंड पता हो कि ये किस तरह की चीज में काम कर रही है. सो यू विल ऑल्सो कम अप विद योर सजेशंस एंड यू आर गोइंग टू हैव अ रिव्यू और अ राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ. जस्ट लाइक अ स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताती जाती हूँ ये कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, क्या हुआ, किस तरह से कौन कौन से बिजनेसेस में इन्वॉल्व है. आप ये सोचें इसके ऊपर, दिस इज अ थिंकिंग प्रोसेस. आप सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लियर वाटर सी फूड के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं टू एंटर इनटू न्यू बिजनेसेस, नए बिजनेसेस में कैसे जा सकते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कम कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को कैसे लिमिट कर सकते हैं या उसको किस तरह से डील कर सकते हैं. सिंस यू आर अवेयर अबाउट द डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, तो यू कैन सजेस्ट ऑल द वेज दैट हाउ यू कैन really recommend them to adopt some of the strategies in order to reinstate. So company was established in 1976 at Bedford.
Nova Scotia at a local lobster distributor. अच्छा कंपनी 1976 में नोवा स्कॉटिया पे एज अ लोकल लॉबस्टर डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे इसने अपना जो कहना चाहिए कि स्टार्ट किया एंड डिड एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एज एन इनकम ट्रस्ट इन मिड 2002 और अपना एक आईपीओ लॉन्च किया एज एन इनकम ट्रस्ट इन द मिड 2002। अच्छा आईपीओ क्या होता है? जब भी कोई कंपनी पहली दफा अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करने जा रही होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आप शायद इस कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं, जो नहीं है उनके लिए बता रही हूँ कि आईपीओ एक एक्टिविटी है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब आपने अपने मार्केट के अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफ स्टॉक फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च करने हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जिम्मेदारी कौन लेता है? ये जिम्मेदारी लेता है इन्वेस्टमेंट बैंक। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अंडरराइटिंग। ठीक है, अब शेयर्स की क्या प्राइस होनी चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, ये सारा इन्वेस्टमेंट बैंक खुद से आइडेंटिफाई करेगा, खुद से करेगा और जाहिर है फर्म जो है वो उसको पे करेगी फॉर डूइंग दिस आईपीओस। ठीक है, अब वो किस तरह से करता है? जाहिर है वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कि व्हाट प्राइस शुड बी गिवन टू दी शेयर्स ऑफ दी स्टॉक जो जो कि पहली दफा प्राइस करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा जो हम बात कर रहे हैं क्लियर वाटर सी फूड के हवाले से, सो दी नोवा स्कॉटिया एज अ लोकल लॉबस्टर डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिड एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एज एन इनकम ट्रस्ट इन मिड 2002। क्लियर वाटर वॉज द लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड शेल फिश कंपनी इन नॉर्थ अमेरिका। इट्स बिजनेस कंसिस्टेड ऑफ हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग अ वेराइटी ऑफ शेल फिश एंड ग्राउंड फिश स्पीशीज। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्लियर वाटर सी फूड नाम है और सी फूड से आपके जहन में आ रही होंगी बहुत ही अच्छी और डिलीशियस किस्म की मछलियां और प्रॉन्स एंड ऑल दैट स्टफ। इनका जो बिजनेस है क्लियर वाटर सी फूड का, दैट इज ऑल रिलेटेड विद सी फूड। सो दे कंसिस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग अ वेराइटी ऑफ शेल फिश एंड ग्राउंड फिश स्पीशीज। अच्छा हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो समंदर से मछलियां निकालने वाला जो प्रोसेस है उसको हम हार्वेस्टिंग यहाँ कहते हैं। तो इसका जो बिजनेस है वो हार्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है, प्रोसेसिंग उनको लेके फिश को लेके फिर जो भी उनका प्रोसेस है उनको किस तरह के कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं या वट एवर दे डू विद दैट इज द प्रोसेसिंग वाला बिजनेस एंड देन सेलिंग अ वेराइटी ऑफ शेल फिश एंड ग्राउंड फिश स्पीशीज और फिर उसी उसको अलग अलग करना और उनको प्रोसेस करना एंड देन फर्दर सेलिंग दम, दैट इज ऑल देयर बिजनेस। Clearwater owned 23 offshore harvesting vessels, of which 11 were engaged in processing at sea. अच्छा देखिए उसमें से कुछ offshore हैं और कुछ जो हैं वो process कर रहे हैं। 23 उनके पास offshore harvesting vessels हैं और जिसमें से 11 they were engaged in processing at sea, जिसमें से 11 जो हैं वो सी के ऊपर काम कर रहे हैं। द कंपनी हैड 7 शोर बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स इन अटलांटिक कनाडा एंड वाज वर्किंग टू मॉडर्नाइज इट्स फ्लीट एंड डू मोर ऑफशोर प्रोसेसिंग। अच्छा वो साथ में उसको मजीद मॉडर्नाइज करने के बारे में भी सोच रहे थे और कर रहे थे। इनफैक्ट वॉज वर्किंग ऑन मॉडर्नाइजिंग इट्स फ्लीट एंड डू मोर ऑफशोर प्रोसेसिंग, हम ऑफशोर प्रोसेसिंग ज्यादा से ज्यादा करें। टू वेसल्स विद प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज वर लोकेटेड इन अर्जेंटीना। स्टूडेंट्स ये आपको आइडिया देने के लिए है जो हिस्ट्री में आपको सुना रही हूँ अबाउट द क्लियर वाटर सी फूड, सो दैट यू कम टू नो कि उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, और आप जब ये सारा कुछ सुन लेंगे तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाउ वुड यू रिकमेंड दम कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड करें। क्लियर वाटर हैड रिसेंटली इन्वेस्टेड कैनेडियन डॉलर $29 million इन टू न्यू फ्रोजन एट सी स्कैल्पल वेसल्स। द कंपनी हैड ऑल्सो एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ शिप यार्ड इन ताइवान टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री फ्रीजर क्लाम वेसल एट अ कॉस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर $45 million। जस्ट लुक एट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे आर गेटिंग। ताइवान में भी उनको उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री फ्रीजर क्लाम वेसल एट अ कॉस्ट ऑफ $45 million कैनेडियन डॉलर। The financing was obtained from issuing convertible debentures in the Canadian market. अच्छा financing इन्होंने कैसे किया? That was a debt security, convertible debenture.
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं आपके, जैसे आप समझ लें ये बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड. डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड. कन्वर्टेबल का मतलब यह है कि दैट बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ स्टॉक. सो द बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ स्टॉक, दैट इज द कन्वर्टेबल बॉन्ड. और उन्होंने ये जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये एंटर हुए, उन्होंने कैनेडियन मार्केट से ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू इसको फाइनेंस किया. गॉट माय पॉइंट. द फाइनेंसिंग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन द कैनेडियन मार्केट. एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय मिड 2006, द न्यू वेसल वॉज मेंट टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द हार्वेस्ट एंड इम्प्रूव यील्ड्स. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्लियर वाटर्स प्रोग्रेशन towards diversification of product offerings and improved operational efficiency. So, जो के expect ही किया जा रहा है कि that is going to be operational by 2006, the new vessel was meant to increase the volumes. ये जो नया vessel इन्होंने जिस contract के through ये enter हुए, that purpose was to increase the volume and efficiency of the harvest and improve yields. जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए एंड टू इम्प्रूव द यील्ड्स. इट वाज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन क्लियर वाटर्स प्रोग्रेशन टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो बेसिकली दे हैव एंटर्ड इनटू द टू इम्प्रूव द दे हैव एंटर्ड टुवर्ड्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड ऑल्सो दे हैव इम्प्रूव्ड द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. ठीक है. With 1600 employees, अब जो उनका एच आर बेस है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दैट इज मेकिंग 1600 विद 1600 employees, क्लियर वाटर हैड ऑफिस इन चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड अर्जेंटीना. विद 4 डिस्ट्रीब्यूशन हब्स इन लंडन, ब्रसल्स, लोविल एंड हैलिफैक्स, इट हैड इट्स ओन लॉजिस्टिक एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी इन हाउस. अच्छा, आप देख लेंगे उनके एम्प्लॉयज हैं 1600 और ऑफिसेज हैं उनके मेन चाइना, यूएस, यूके, जापान एंड अर्जेंटीना में, और डिस्ट्रीब्यूशन हब्स हैं उनके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर. इट हैड इट्स ओन लॉजिस्टिक एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी इन हाउस. जस्ट लुक एट द बेस एंड लुक एट द साउंड ग्राउंड ऑफ दैट. कस्टमर्स लोकेटेड अक्रॉस अ ब्रॉड ज्योग्राफिक बेस, क्लियर वाटर्स कस्टमर कंप्राइज्ड रिटेल चेन्स लाइक Sobeys and Marks and Spencer, food distributors like Cisco and Gordon's, and corporate restaurants like the Palm and Red Lobster. The top 10 customers contributed about 25% of sales in 2005. So, jo inke top 10 customers hain, they contributed about 25% of sales in 2005. 2005 ki sales ka 25%. सिर्फ उनके ये जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो बना रहे हैं. नो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंटेड फॉर मोर देन 5% ऑफ सेल्स. किस कोई भी एक इंडिविजुअल कस्टमर है, नो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंटेड फॉर मोर देन 5% ऑफ सेल्स. किसी और किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर की वजह से 5% सेल इंक्रीज नहीं हुई. अबाउट 80% ऑफ द कस्टमर्स वर डूइंग बिजनेस विद क्लियर वाटर फॉर ओवर 10 ईयर्स एंड दे वर लॉयल with the company and they were attached with this firm for about 10 years. So 80% of the consumers were doing business. Inme se zyada tar jo unke customers the, jo unke customers hain, wo bahut arse se unke saath hain and they are the loyal customers of the Clearwater Seafood. So just imagine ke jo inko ek bada share jo unka jo revenues hain, jo unke sales hain, उसका एक बड़ा जो पोर्शन है वो उनके जो ओल्ड कस्टमर बेस है उससे उनको आ रहा है. इम्प्लॉयज के हवाले से मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन हब्स के हवाले से मैंने आपको बताया, मैंने आपको उसकी बेस बताई. सो इट हैज गॉट द स्प्रेड इन सो मेनी ज्योग्राफिक लोकेशंस. ठीक है. कंपेटिटर्स एफबीआई लिमिटेड ऑफ कैनेडा एंड 4 यूएस कंपनीज, अमेरिकन सी फूड्स ग्रुप, एएसजी, ईस्टर्न फिशरीज, Sea Trade International and Garbo Lobster Company
were some of the leading competitors for the company. So these are the major competitors. It is very important to study and to know about who are the competitors, since you have to look at the strategies of all these customers as well. Now the current situation. The decline in the value of US dollar had reduced 2005 sales in Canadian dollar terms post hedging by 7 cents for each US dollar of sales, amounting to Canadian dollar $8.4 million during the year. Repeat karti hu, the decline in the value of the US dollar had reduced sales 2005 sales in Canadian dollar terms post hedging by 7.5 cents for each US dollar of sales, amounting to Canadian dollar $8.4 million during the year. Ab ye dekhen ki is decline ka asar ye aaya hai ke inki jo Canadian dollar sales hai, that is 8.4 million during the year, uska decline aaya. The decline in the value of the pound sterling, euro and yen had also had a negative impact on the sale to the tune of Canadian dollar 9.2 million. Ab dekhen, they were dealing in so many other currencies, aur us par sabhi currencies ke decline hone ki wajah se they have got a drastic effect on their sales, and that amounts to Canadian dollar sirf US ki wajah se 8.4 million Canadian dollar, aur pound sterling, euro and yen ki wajah se it made almost 9.2 million Canadian dollars. This decrease would have been more if the Clearwater did not have an active foreign exchange management program. अच्छा, अभी इसके ऊपर तो ये था कि ये जो आपको अभी इतना loss बता रहे हैं, जो आपका decline है, वो तो इसके ऊपर है कि इनकी already existing exchange rate, exchange risk management program exist करता है, जिसको ये properly follow कर रहे थे. लेकिन आप ये सब सिर्फ समझ लें कि अगर ये भी ना होता, या इसकी absence में ये जो decline है, ये कितना huge होता. Already it was 8.4 million for the US, only for, due to US, and 9.2 Canadian million Canadian dollar for the pound sterling or euro or yen ki wajah se. So agar aap just imagine ke if they had not the foreign exchange risk management program well in place, what would have happened to the sales, to the decline of the revenues in that case. अगर ना होता तो फिर तो ये और भी ज़्यादा, ये जो number है, that would have gone to the multiples. The foreign exchange risk management program had two components: forward contracts and options. And forward contracts were used to provide certainty in exchange rate going forward 12 months and occasionally longer. अच्छा, इनका जो foreign exchange risk management program है, उसके दो components थे. एक थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे थे ऑप्शंस. और स्टूडेंट्स, आपने बहुत डिटेल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और उनके मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ा. आप देख लें कि उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉर अपने आप को एक्सचेंज रेट रिस्क को अवॉइड करने के लिए दे हैव एंटर्ड इन टू डेरिवेटिव मार्केट्स, बट दो दैट वॉज नॉट वेरी मच फीजिबल. अब हमने उनको क्या सजेस्ट करना है, क्यों उनको फिर भी इतना डिक्लाइन हुआ, ये कैसे हो गया, अब हम देखते हैं. नाउ द सी फूड इंडस्ट्री. The Canadian seafood harvesting industry comprised two segments. The Canadian seafood harvesting industry hai, it comprises of two segments: seasonal inshore and year-round offshore. एक है आपकी seasonal inshore, जबकि आप इसको कह रहे हैं जैसे मौसमी चीज होती है ना, जब मौसम होता है तो आप उस वक्त कहते हैं seasonal inshore, and the year-round offshore. और एक जो है वो पूरा साल आप हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, यानी पूरा साल जो फिशिंग है, जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, वो जारी रहता है, लेकिन जो सीजनल है वो भी होता है. सीजनल इंश्योर फिशरी कंसिस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट फिशरमैन कैरिंग आउट स्मॉल स्केल हार्वेस्टिंग क्लोज टू द शोर एंड सेलिंग देयर हार्वेस्ट टू द सी फूड प्रोसेसेस. अच्छा, जो इंश्योर है फिशरी, इट कंसिस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट फिशरमैन, जो कि समंदर के किनारे शोर के ऊपर हार्वेस्ट करते हैं मैनुअली उसको, स्मॉल स्केल के ऊपर जितना वो कर सकते हैं, क्लोज टू द शोर एंड देन सेलिंग देयर हार्वेस्ट टू द सी फूड प्रोसेसेस, और फिर वो जाके सी फूड प्रोसेसेस को जाके सेल आउट कर देते हैं. ये तो आपकी होगी सीजनल इंश्योर. इसी तरह से जो आपकी ईयर राउंड ऑफशोर है, वो सारा साल जारी रहती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, कि उसका सीजन है या नहीं है.
तो ये बेसिकली ये प्रोसेसेस हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह से इसको चलाते हैं, कि क्या क्या हार्वेस्टिंग के प्रोसेसेस हैं मैनुअल लेवल पे, लोकल लेवल पे फिशरमैन भी लेके उसको करते हैं और फिर देन दे सेल देम टू द सी फूड प्रोसेसेस. क्लियर वाटर ऑपरेटेड प्राइमेरली इन द लेटर सेगमेंट एंड कॉम्प्लीमेंटेड इट्स ओन रॉ मटेरियल बाय परचेजिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट फिशिंग कंपनीज. Sea food harvesting was a competitive business in which responsible management of the fishery stock was integral to ensuring future supplies. जो सी फूड हार्वेस्टिंग है, इट वॉज अ कम्पेटिटिव बिजनेस. ये इनके बिजनेसेस हैं, हार्वेस्टिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट वॉज अ कम्पेटिटिव बिजनेस इन विच क्या था, इन विच रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द फिशरी स्टॉक वॉज इंटेग्रल टू द इंश्योरिंग फ्यूचर सप्लाईज. द इंडस्ट्री वॉज रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट एजेंसीज सच एज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एंड ओशंस दैट इज DFO इन कैनेडा टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. सो इंडस्ट्री वॉज रेगुलेटेड बाई द गवर्नमेंट एजेंसीज जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एंड ओशंस DFO इन कैनेडा एंड इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. द ग्रांटेड हार्वेस्टिंग लाइसेंसेज सेट द टोटल अलाउेबल कैच टैग एंड डिटरमिन द कोटास फॉर ईच कंपनी. उन्होंने ये रेगुलेशन बाकायदा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसकी रेगुलेशन थी. द इंडस्ट्री वॉज रेगुलेटेड बाई द गवर्नमेंट एजेंसीज और एंड टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. यानी सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज आपकी रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स, यू हैव टू मैनेज दैम. तो सस्टेनेबिलिटी से मतलब ये है कि आप किस तरह से अपने आप को बरकरार रख सकेंगे इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. सो दे ग्रांटेड हार्वेस्टिंग लाइसेंसेज सेट द टोटल अलाउेबल कैच एंड डिटरमिन द कोटास फॉर ईच कंपनी. द सी फूड बिजनेस वॉज सीजनल इन नेचर. अच्छा, जो सी फूड का बिजनेस था दैट वॉज सीजनल इन नेचर. सीजनल से मतलब ये है दे टिपिकली द सेल्स वर हायर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. इसका मतलब यह है, सीजनल का मतलब यह है कि जैसे सर्दियों में जो सी फूड का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है, तो कैलेंडर ईयर के जो सेकेंड हाफ है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जून टू दिसंबर, टिपिकली इस मौसम में फिश का इस्तेमाल ज्यादा होता है. सो द सी फूड बिजनेस वर सीजनल और सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में ये ज्यादा होता है. क्लियर वाटर हैड बीन सक्सेसफुल इन ग्रोइंग इट्स बिजनेस थ्रू द एक्विजिशन ऑफ न्यू लाइसेंसेज एंड कोटास एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. अच्छा, क्लियर वाटर इस लिहाज से सक्सेसफुल रहा कि दे हैव ग्रोन देयर बिजनेसेस बाय टेकिंग न्यू लाइसेंसेज एंड कोटास एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. और नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिहाज से भी दे वर क्वाइट नोवेल. इट वॉज एबल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी एज इट ट्रांजिशन इट्स फ्लीट टूवर्ड्स फैक्ट्री फ्रीजर वेसल्स. जो इन्होंने ताइवान में एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स. अच्छा, उन्होंने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी इसलिए ले रही थी, कंपनी उस वक्त डेट फाइनेंसिंग करती है जब उसको पता हो कि दे विल बी एबल टू रीपे दी लोन इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद द इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो उन्होंने जो डिवेंचर भी इसीलिए लिया था और अल्टीमेटली कन्वर्टेबल इसलिए लिया था ताकि वो बाद में शेयर ऑफ स्टॉक में कन्वर्ट हो जाए. और उनकी इन सारी स्ट्रेटजीज की वजह से दे वर एबल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी एंड दे वर एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी. अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी वो इन्हांस कर सके थे विद द हेल्प ऑफ ऑल दी स्ट्रेटजीज. मार्केट साइज. द ग्लोबल डिमांड फॉर सी फूड विच स्टूड एट 132 मिलियन टन्स इन 2003 वॉज फोरकास्टेड to go up to 182 million tons by 2015. The global demand for seafood, which stood at 132 million tons in 2003, was forecasted to go up to 182 million tons by 2015. ये भी forecasting थी क्योंकि market size बढ़ता जा रहा है कि जो global demand थी seafood की which stood at 132 million tons 2003 में 132 थी और 2015 में इट वॉज फोरकास्टेड दैट इट विल गो अप टिल 182 मिलियन टन्स रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दैट इज CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 2.2%. द वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा डिमांड फॉर सी फूड वॉज फोरकास्ट टू गो अप
from 16.3 kg in 2003 to 19.1 kg in 2015, representing a compound annual growth rate of 1.1%. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रोथ उसके जो मार्केट का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है और जो परसेंटेज है या उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है और उसका जो CAGR है दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स फोरकास्टिंग. इसके अंदर इन स्टैटिस्टिक्स में शायद वो बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स शामिल नहीं है जो अदरवाइज इसका कंजम्पशन है, जो सी फूड का कंजम्पशन है अदरवाइज, जो कि कहीं पे पब्लिश फॉर्म में अवेलेबल नहीं है. ये जो डाटा है दिस इज बेस्ड ऑन दी ऑन दोज पब्लिश डाटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल. लेकिन उसके अलावा भी आप देखें कि बहुत सारी जगहों पर सी फूड जो है वो वैरायटी ऑफ सी फूड इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ती जा रही है जो सी फूड की, कि जैसा कि आपको पता कि आजकल हेल्थ इश्यूज हैं तो हमेशा डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि रेड मीट को अवॉइड करें और आप व्हाइट मीट की तरफ चले जाएं. तो व्हाइट मीट में वी हैव टू ऑप्शंस, फिश एंड चिकन. तो पीपल दे आर स्विचिंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्ट डिजीज एंड कोलेस्ट्रॉल एंड रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स टू दी व्हाइट मीट. और व्हाइट मीट में फिश और चिकन से अच्छी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है. फिश उससे ज्यादा बेहतर इस लिहाज से है कि फिश के अंदर फिश की जो उसके उसके अंदर जो वाइटामिन है या जो उसके अंदर आयोडीन है या रेस्ट ऑफ द अदर जो उसके प्लस हैं दे आर फार गुड फॉर हेल्थ पर्पज. इसलिए भी जो सी फूड का कंजम्पशन है दैट हैज इंक्रीज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मच ऑफ द ग्रोथ इन सी फूड कंजम्पशन वॉज टू कम फ्रॉम द ग्रोथ इन पॉपुलेशन. अब दूसरी उसकी वजह यह भी है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स में भी ये देख लें 2003 से 15 तक का जो हमारा फोरकास्टिंग है उसमें भी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा जो फोरकास्ट है उसके लिहाज से जाहिर है जितनी ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी उसी लिहाज से जो सी फूड का कंजम्पशन है या फूड का जो कंजम्पशन है वो उसी लिहाज से ज्यादा होगा. द थ्री लार्जेस्ट कंट्रीज रैंक्ड बाय पॉपुलेशन चाइना, इंडिया एंड US अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सी फूड कंजम्पशन. तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज चाइना एंड इंडिया एंड US दे अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली यानी वर्ल्ड का तकरीबन 44% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सी फूड कंजम्पशन ये करते हैं. तो एक तरफ तो हमने ये कहा कि पॉपुलेशन की वजह से, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि एडिशनल हेल्थ इश्यूज जो हैं जिसकी वजह से ज्यादा व्हाइट मीट प्रेफर किया जाता है, इस वजह से भी व्हाइट मीट जो है वो उसने ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू कर दी है. सो ये कंजम्पशन के लिहाज से बता रही हूँ कि जो ग्रोथ परस्पेक्टिव है, जाहिर है उनका बिजनेस ही क्लियर वाटर सी फूड का बिजनेस ही रिलेटेड है विद सी फूड. तो दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि मार्केट की ग्रोथ का रेट क्या है एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन दैट. कंजम्पशन ट्रेंड्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सी फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वर्ल्ड वाइड वॉज कंज्यूम्ड इन थ्री कंट्रीज, 33% इन चाइना, 9% इन जापान एंड 6% इन US. While it made sense for Clearwater to establish footprints in Asian markets, the competition from local low-cost producer was formidable, particularly in the individually quick frozen scallops and shrimps from the aquaculture operations. Now the corporate strategy. In 2003, Clearwater defined its new growth strategy as being rooted in the three pillars of the business: innovation, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एंड मार्केट. अच्छा ये थ्री पिलर्स ऑफ बिजनेस हैं, दे आइडेंटिफाइड इन 2003 अ न्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी, दे आर बिगिन एज बीइंग रूटेड इन द थ्री पिलर्स ऑफ द बिजनेस. नंबर वन वॉज इनोवेशन, नंबर टू वॉज वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड नंबर थ्री वॉज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एंड मार्केट्स. इनोवेशन भी कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने बहुत सारी अपनी जो फ्लीट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड किया है और उसको ये इम्प्रूव कर रहे हैं हम. देन वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन से मतलब यह है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, लाइक हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं और हार्वेस्टिंग में भी इन्होंने ऑफशोर और इनशोर और ऑल ओवर द ईयर अराउंड द ईयर जो उनकी प्रोसेसिंग है वो हार्वेस्टिंग है वो जारी रहती है. इस तरह की इन्होंने वर्टिकल एंड
वर्टिकल इंटीग्रेशन किया जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से मतलब यह है कि इन्होंने अपने कंपेटिटर्स के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं अपने कस्टमर्स के साथ, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन यह है कि इन्होंने अपने सप्लायर साइड पे या एक स्टेप पीछे जो है उन्होंने वहां पे भी कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज अपनी अडॉप्ट की हैं. सो द इनोवेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड डायवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एंड मार्केट्स. डायवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एंड मार्केट्स से मतलब यह है कि इनकी जो स्पीशीज हैं, जो जो फिश की जो सॉरी जो जो इनके बिजनेस की डायवर्सिटी है वो ये है कि इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से किए हुए है कि दे हैव एडेड न्यू और एडिशनल स्पीशीज एंड मार्केट्स. नई नई मार्केट्स इन्होंने एक्सप्लोर की हैं, और उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि वो एक ही तरह का सी फूड जो है वो उसको हार्वेस्ट या प्रोसेस करते हैं, बल्कि नई नई स्पीशीज को भी ट्राई आउट करते हैं. इनोवेशन वॉज एम्ड एट डेवेलपिंग एंड अडोप्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस एनहेंसिंग ग्रोथ एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स बेस. अब यही जो तीन पिलर्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आगे पॉइंट्स भी लिखे हैं. इनोवेशन वॉज एम्ड एट डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जैसे कि इनका जो ताइवान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में 2003 में इन्होंने साइन किया था, उसमें भी देवर एमिंग एट अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस एनहेंसिंग ग्रोथ एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स बेस. इंटीग्रेशन वॉज एम्ड एट कंट्रोलिंग द वैल्यू चेन फ्रॉम हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग टू डिलीवरी टू जनरेट कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड टू कंट्रोल क्वालिटी. इंटीग्रेशन इसलिए की जाती है ताकि आपका बिजनेस के फुल साइकिल के ऊपर कंट्रोल आ जाए, लाइक आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे, दोनों स्टेप्स में आपका होल्ड हो जाए. सो यू आर गोइंग टू होली सोली ओन एंड यू आर गोइंग टू हैव अ कंट्रोल ऑन द क्वालिटी बाय दिस एक्टिविटी. इंटीग्रेशन वॉज एम्ड एट कंट्रोलिंग द वैल्यू चेन, यानी आपने अपनी पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल कर लिया. वैल्यू चेन इज लाइक ईच स्टेप ऑफ बिजनेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय यू बिकॉज आपका उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है या आपका उसमें हाथ है. इंटीग्रेशन वॉज एम्ड एट कंट्रोलिंग द वैल्यू चेन फ्रॉम हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग टू डिलीवरी टू जनरेट कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड कंट्रोल क्वालिटी. इससे आपकी एक तो कॉस्ट एफिशिएंसीज भी होंगी और दूसरा यह कि आपकी क्वालिटी भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी. सो दैट इज द इंटीग्रेशन. And diversity. Diversity was aimed at creating a natural hedge against downturns in the availability and thus the quotas of any one species, changes in customer market to hedge against the value of the specific currency or changes in the demand of the Clearwater's product from a specific region. Purchasing new vessels, updating production facilities and replacing older boats in its fleet were part of Clearwater's strategy to establish a premier position in the industry. अच्छा, नई नई vessels purchase करना, then updating the production facilities and replacing, और यह है कि जो already existing production facility है उसको भी replace करना, यानी older boats को with in its fleet. They were part of Clearwater's strategy to establish a premier position in the industry. Investments in the modernized vessels and shore-based processing plants were aimed at securing a strong stewardship of aquatic resources through increased yield, enhanced product quality, reduced cost and improved environmental responsiveness. तो ये जो अपनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अपनी मॉडर्नाइज्ड वेसल्स में, इससे उनको बहुत फायदे होंगे. दी एक्वेटिक रिसोर्सेज थ्रू इंक्रीज यील्ड, जाहिर है मॉडर्नाइज्ड वेसल्स हैं तो जो पहले उनका यील्ड था वो बढ़ जाएगा. एनहेंस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, एंड दे आर गोइंग टू इम्प्रूव दी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, के अपनी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस को भी शो कर रहे हैं. बिकॉज That is also one of the basic functions of a business कि आप environmental responsive कितने हो. Traditionally, the company's strategic intent had been fourfold: focus on previously unexploited species. अच्छा, traditionally जो company का strategic intent था that was fourfold. Number one, focus on previously unexploited species, pursue acquisition of complementary business. Number three, foster long-term relationships with customer. And take a leadership role in working with official regulators. अच्छा, ये हमारे जो Clearwater Seafood की कंपनी के कुछ मेन स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स थे.
जो कि उन्होंने हर जगह के ऊपर अपनी उन्होंने ये स्ट्रेटजी रखी थी, कंपनी की स्ट्रेटजी रखी थी कि वो इन एरियाज में जरूर परसू करेंगे. नंबर वन इज फोकस ऑन प्रीवियसली अनएक्सप्लॉयटेड स्पीशीज, जो पहले स्पीशीज एक्सप्लॉयट नहीं हुई उनको एक्सप्लॉयट करना. देन इज यानी जो पहले इससे पहले ट्राई आउट नहीं किया आपने उनको आप ट्राई आउट कर रहे हो. देन इज परसू एक्विजिशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस को एक्वायर करें और देखें वो किस तरह से हो सकता है. देन फॉस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को किस तरह से आपने फॉस्टर करना है विद कस्टमर्स एंड टेक अ लीडरशिप रोल इन वर्किंग विद द ऑफिशियल रेगुलेटर्स. जो ऑफिशियल रेगुलेटर्स हैं, जो मैंने आपको एक कैनेडियन इंस्टीट्यूशन बताया था जो कि रेगुलेशन करता है, उसके साथ किस तरह से टू ले टू टू टेक अ लीडरशिप रोल इन वर्किंग विद द ऑफिशियल रेगुलेटर्स. दे प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर रीडिफाइनिंग द कंपनी स्ट्रेटजी इन 2003. क्लेयर वाटर वॉज ऑल्सो वेल पोजिशंड टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर. क्लेयर वाटर जो है वो खुद खुद से भी दे वर वेल पोजिशन टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर. देर वॉज अ ग्रोइंग इंटरनेशनल डिमांड फॉर प्रीमियम शेलफिश एंड क्लेयर वाटर हैड अ डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस, वेयर एज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वॉज फ्रेगमेंटेड एंड कंसिस्टेड ऑफ मेनी स्मॉल एंटरप्राइजेस. रिपीट करती हूँ, क्लेयर वाटर वॉज ऑल्सो वेल पोजिशंड टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर. देर वॉज अ ग्रोइंग इंटरनेशनल डिमांड फॉर प्रीमियम शेलफिश एंड क्लेयर वाटर हैड अ डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस, वेयर एज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वॉज फ्रेगमेंटेड एंड कंसिस्टेड ऑफ मेनी स्मॉल एंटरप्राइजेस. इसके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट थे क्लेयर वाटर सी फूड के वो बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतर थे एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी अदर कंपेरेटर्स. नाउ दी करंट सिचुएशन, अब मसला क्या है? आपको मैंने बताया इतना जबरदस्त किस्म का बेस है, इतनी जबरदस्त किस्म का बैकग्राउंड है, इतना वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन सेज द मैनेजमेंट हैड लिटिल टाइम टू स्ट्रेटेजाइज एंड एग्जीक्यूट एन एक्शन प्लान. रिस्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन was an immediate priority that in turn called for a turnaround strategy that could be executed efficiently. White recognized that the strengthening of the Canadian dollar is a trend that will likely prevail through all of the 2006. अच्छा, White ने ये recognize किया है, CFO ने, जो Chief Financial Officer है, उसने ये recognize किया कि ये जो Canadian dollar का trend है strengthening का, that will is likely to prevail all of 2006 या 2006 तक जाएगा. Equally, restructuring of business operations will dilute earnings in the short term. इसी तरह साथ साथ जो restructuring of business है उससे भी जो earnings already diluted है they are going to become more diluted in the short run. तो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन डॉलर की devaluation की वजह से ऐसा होगा, बल्कि also the restructuring of the business operations they are going to dilute the earnings in the short term. Continuing the suspension for too long will hurt investor sentiment. और ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वाइट ये रिकग्नाइज कर रहा है या वो ये फोरकास्ट कर रहा है या वो ये देख रहा है आने वाले वक्त में कि ये जो करेंसी वाला जो प्रॉब्लम है एक्सचेंज रेट क्राइसिस दैट इज नॉट गोइंग टू बी ओवर अनटिल 2006. और उसके अलावा बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से अर्निंग्स और भी कुछ डायल्यूट हो जाएंगी, यानी और भी कुछ कम हो जाएंगी. और लेकिन यह कि हम अपने इनकम होल्डर्स को या यूनिट होल्डर्स को इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए उनकी इनकम को सस्पेंड नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज दी दैट इज गोइंग टू हर्ट दी इन्वेस्टर सेंटिमेंट अगर हम बहुत देर तक उनको जो है वो नहीं देंगे. अगर हम उनको सस्पेंड किए रखेंगे, उनकी इनकम को सस्पेंड किए रखेंगे, तो देर विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क. दैट इज द पॉइंट. इट विल ऑल्सो वीकन क्लेयर वाटर्स कंपेटिटिव पोजिशन रिलेटिव टू दी सी फूड कंपनीज आउटसाइड कैनेडा. और साथ ही उसका यह है कि क्लियर वाटर सी फूड की जो पोजीशन है कंपेटिटिव पोजीशन वो भी हर्ट हो जाएगी इसकी वजह से, जो कि आउटसाइड ऑफ कैनेडा में काम कर रही है. लाइक इसकी जो पोजीशन है वो वीक हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल दिस. बट इट इज अनलाइकली क्लियर वाटर विल बी एबल टू रीइंस्टेट डिस्ट्रीब्यूशंस अनटिल द रीस्ट्रक्चरिंग इज कंप्लीटेड. लेकिन साथ ही साथ मजबूरी यह है कि क्लियर वाटर दे आर नॉट एबल टू reinstate distribution until the restructuring is complete. जब तक restructuring complete नहीं हो जाती they will not be able to do it.
As earning continues to fall, leverage ratios will continue to climb. And they are currently over 3 times EV/EBITDA, and the crunch will prevail throughout the restructuring. Or earnings unki is pura time period mein earnings unki kam hoti jayengi. Or EBITDA, aap dekh lein ki earning before interest and taxes ke andar jo decline tha, that was already 3 times, jo maine aapko shuru mein bataya tha. That is going to climb up even more, kyunki problem bahut zyada severe hai. Restructuring ki wajah se unki earnings aur bhi kam ho jayengi, jiski wajah se EBITDA ka jo डिक्लाइन है वो और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा. एंड द क्रंच विल प्रिवेल थ्रू आउट द रिस्ट्रक्चरिंग. और ये पूरा रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में ये चीज कंटिन्यू रहेगी. वी कैन नॉट डू बोथ साइमल्टेनियसली, री इंस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिस्ट्रक्चर ऑपरेशंस. हम दोनों तरह दोनों चीजें साथ साथ नहीं कर सकते कि हम अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दें, लाइक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दे दें, डिविडेंड्स दे दें या इनकम दे दें, और साथ ही साथ हम अपनी रिस्ट्रक्चरिंग भी कर लें. ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, हमें किसी एक चीज को फॉरगो करना पड़ेगा. व्हाइल रिमेनिंग विद इन आवर बैंक कोविनेंट पैरामीटर्स. और हमने ये भी देखना कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं. बैंक कोविनेंट पैरामीटर्स में रहते हुए हम ये नहीं कर सकते कि हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दें और साथ ही हम अपनी जो ऑपरेशन है उनको भी रिस्ट्रक्चर कर दें. The exchange management program was supplementing the company's earnings from the mainline business and also offsetting the decline in earnings due to a strengthening Canadian dollar. While the Canadian dollar had been falling, the company's foreign exchange risk management program contributed significantly to the firm's bottom line. But as the Canadian dollar started to increase in value, the contribution of the program to the bottom line was decreasing. There was thus a need to reassess the company's foreign exchange रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम. इसलिए जरूरत यह है कि हम अपने कंपनी के देखें, कंपनी जब कैनेडियन डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई तो आप कंपनी को बहुत सारे डिफरेंट मसाइल का सामना विद द स्ट्रेटजी इन फ्रंट कि दे वांट टू रिस्ट्रक्चर एंड दे वांट टू री इंस्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल बोथ एट द सेम टाइम. दे आर नॉट इन अ गुड पोजिशन टू डू बोथ द एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली. सो दस देर वॉज अ नीड टू रीअसेस द कंपनीज फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम. इसलिए बहुत जरूरत है कि हम इनको इनके जो फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको एक तरफ एक नजर देखें. एज सी एफ ओ वाइट हैड टू सजेस्ट स्टेप्स टू मिनिमाइज क्लियर वाटर्स फाइनेंशियल रिस्क. अब सी एफ ओ की पोजिशन में एज अ सी एफ ओ जो व्हाइट की जिम्मेदारी है वो ये है कि ही हैड टू सजेस्ट स्टेप्स टू मिनिमाइज द क्लियर वाटर्स फाइनेंशियल रिस्क, ताकि क्लियर वाटर का फाइनेंशियल रिस्क कम से कम हो. द स्टेप्स हैड टू बी कंसिस्टेंट विद द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड इम्प्रूव इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. अच्छा, ये कि स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जिससे कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी भी बेहतर हो जाए, जो कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी के मुताबिक हो और जिससे उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो जाए. इट वॉज दस इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई क्लियर वाटर्स स्ट्रेंथ. इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले यह पता चल जाए कि क्लियर वाटर सी फूड की स्ट्रेंथ क्या है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर सके. इट वॉज देन नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू लेवरेज दैम सो दैट द कंपनी वुड जनरेट सफिशियंट प्रॉफिट टू री इंस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसलिए इट वॉज नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज के उनको इतनी मुनासिब फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले टू लेवरेज देम सो दैट द कंपनी वुड जनरेट सफिशियंट प्रॉफिट्स टू रीइंस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन. इवन दो क्लियर वाटर्स फाउंडर्स ओन 46% ऑफ द यूनिट्स एंड वर मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द कंपनी, दे टू वर इंटरेस्टेड इन द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीइंस्टेट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द नियर टर्म. अच्छा, हालांकि जो उसके फाउंडर्स थे 46% ऑफ द यूनिट्स, दे वर मोर कंसर्न अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. लाइक जो क्लियर वाटर के ओनर्स थे उनमें से 46% वो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो मेजर यूनिट होल्डर्स थे. लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि कम जो फर्म का जो एक प्रोसेस है टू री इंस्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो भी एक तरह से दोबारा से शुरू हो जाए. लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन री इंस्टेट है वो भी दोबारा से हो जाए, ताकि यूनिट होल्डर्स को रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलनी शुरू हो जाए. अल्टरनेटिव्स
As White prepared for the conference call, he realized that he needed to carefully consider the different alternatives and prepared to explain how the chosen strategy related to the criteria of interest to the major stakeholders. Should we revise the company's strategy and change at the fundamental level the way we do business, he wondered, or leave the strategy intact and focus on communicating its rationale better to investor. क्या हम अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करें या फिर यह कि दूसरा हाल यह था कि हम अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले और उन्हें बताएं कि ये प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी टेकन ओवर. इफ क्लियर वाटर वॉज टू कंसिडर चेंजिंग इट्स स्ट्रेटेजी, अ क्लियर अल्टरनेटिव वॉज टू फोकस मोर अटेंशन टू द कंपनीज फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन. अगर तो अपनी वो स्ट्रेटेजी रिवाइज करने जा रही है तो बहुत जरूरी है कि वो अपने फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर को देखे, ऑपरेशंस को देखे एंड इंक्रीज द लेटर एबिलिटी टू बोथ मैनेज रिस्क एंड जनरेट प्रॉफिट्स. वाइट रियलाइज दैट इंक्रीजिंग क्लियर वाटर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शंस वाज वन अल्टरनेटिव. द प्रॉफिटेबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वुड हेल्प क्लियर वाटर मोबिलाइज इट्स कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज एंड पुट देम टू बेटर यूज. अच्छा, सिंस क्लियर वाटर सी फूड जो है, क्रक्स स्टोरी का यह है कि दे वर डीलिंग इन डिफरेंट करेंसीज, चाइनीज चाइना में, जापान में, देन यूएस में एंड यूके में, पाउंड स्टर्लिंग, येन एंड यूएस डॉलर के साथ इनकी ज्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन थी एंड ऑल्सो यूरो. तो इन देखना यह है कि हर करेंसी के साथ इनकी जो नेट पोजिशन है वो क्या है और इनका ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कितना है. ठीक है ना, दे कीप ऑन फोरकास्टिंग दैम एंड द बेस्ट वे वॉज टू इन द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम में कई ऑप्शन को यूज कर लें. वाई ऑप्शन? क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास राइट होता है, राइट टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड डेट. तो जब राइट्स ले लेंगे ये तो ये फिर सिर्फ प्रीमियम की कॉस्ट इनको पड़ेगी, अदरवाइज दे विल बी फ्री, केयर फ्री टू थिंक अबाउट दी एनी फॉरन एक्सचेंज एक्सपोजर. तो इस तरह से अगर ये ऑप्शंस ले लेते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. या अनदर अल्टरनेटिव में भी कि ये स्वैप्स भी ले सकते हैं, यानी करेंसी को, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ स्वैपिंग ऑप्शन जो है वो भी कर सकते हैं. एक और हो सकता है जिसको हम नेचुरल हेज कहते हैं कि जिस करेंसी में एक्सपोर्ट्स हैं, जिस करेंसी में आप एक्सपोर्ट करें उसी करेंसी में आप पेमेंट भी ले लें. इज दैट क्लियर? तो इस तरह की जो चीजें हैं, नेचुरल हेज कर सकते हैं, ऑप्शंस में जा सकते हैं, स्वैप्स में जा सकते हैं. दीज आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड स्टिल देर आर मेनी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि इसके अंदर और कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो कि वाइट प्रपोज कर सकता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन, स्पेशली विद रेफरेंस टू द एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम. अ फर्दर अल्टरनेटिव वॉज टू चेंज क्लियर वाटर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी. अच्छा, ना सिर्फ ये कि एक्सचेंज रेट प्रोग्राम को चेंज किया जाए, एक और स्ट्रेटेजी, सिंस यू आर ऑल्सो बिजनेस स्टूडेंट तो आपने सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि आपने सिर्फ उसको एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम ही देना. दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट, ऑप्शंस यूज करना या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करना. इससे पहले क्लियर वाटर सी फूड जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है, लेकिन आपने उनको प्रपोज करना है कि वट एल्स दे कैन डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन. ऑप्शंस में फ्लेक्सीबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैं बार बार ये आपको ये सजेस्ट कर रही हूं और मैं आपसे पूछ भी रही हूं कि व्हाट शुड दे डू अबाउट दैट. ऑप्शंस में चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए क्लियर वाटर सी फूड ऑप्शंस को लेके चल सकता है, बिकॉज ऑप्शन इज द राइट टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट. अ फर्दर ऑल्टरनेटिव वॉज टू चेंज क्लियर वाटर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी. ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को भी हम देख सकते हैं दोबारा. दिस कुड बी परफॉर्म इन मेनी डिफरेंट वेज टू इधर डिक्रीज क्लियर वाटर एक्सपोजर टू द फॉरन करेंसीज और फर्दर डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन इन टू अदर मार्केट्स. द लेटर कुड एलिविएट सम ऑफ द नीड टू हैज फॉरन एक्सचेंज रिस्क बाई इधर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द फॉरन करेंसी एक्सपोजर और इंक्रीजिंग क्लियर्स एबिलिटी टू चेंज प्राइसेज एज एक्सचेंज रेट चेंजेस. अच्छा, साथ ही है कि अपनी प्राइसेस को भी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी चेंज करें, प्राइसेज भी वो अपनी ऑल्टरनेटिवली चेंज करें वेन एवर देर इज अ राइज और डिक्लाइन इन दी एक्सचेंज रेट. जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वो साथ ही साथ अपने प्राइसेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज नहीं होगा. एट द एंड द डिसीजन रिक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजी विच वुड अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी रीइंस्टेटेड व्हाइल अलाउइंग द फर्म टू हैव सफिशियंट कैश फ्लोज टू सस्टेन ग्रोथ. मतलब अब डिसीजन ऐसा चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी रीइंस्टेट हो जाएं और साथ ही
यह है कि फर्म के पास सफिशिएंट कैश फ्लोज भी हो टू सस्टेन ग्रोथ, और अपनी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैश फ्लोज भी हो. तो दोनों चीजें किस तरह से हो सकती हैं ये आपने उसको सजेस्ट करना. अ स्ट्रेटेजी दैट फोकस्ड मोर ऑन ऑपरेशनल हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन वुड बी लॉन्ग टर्म एंड मे नॉट अलाउ क्लियर वाटर टू रीइंस्टेट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली. अच्छा, जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, वो फौरन से शॉर्ट टर्म में शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा कि हम एकदम से अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको रीइंस्टेट कर लें. क्लियर वाटर टू रीइंस्टेट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली द कंपनीज ऑपरेटिंग मैनेजर्स वुड हैव टू चेंज द ट्रेडिशनल कमोडिटी माइंडसेट टू वन ऑफ द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रेंज. मतलब अपना ट्रेडिशनल कमोडिटी माइंडसेट चेंज करके डिफरेंशिएशन की तरफ आ जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जो है उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है. इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग ऑन लो कॉस्ट प्रोडक्शन एज बिफोर दे हैड टू कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट, रिस्पॉन्स टू द कंज्यूमर डिमांड, स्पीड ऑफ एंट्री, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज एंड अलाइनमेंट विद द वैल्यू चेन, ऑल ऑफ विच वुड जस्टिफाई प्रीमियम प्राइसिंग. जिसके साथ उनको अपनी प्राइसेस को भी रिवाइज करना पड़ेगा. अ स्ट्रेटेजी फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल हेजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम वुड अलाउ फॉर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स एंड थस अ मोर रैपिड रीइंस्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो दीज आर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स और दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस दैट कैन बी प्रेजेंटेड टू व्हाइट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू. So, in the conference call, White had to propose a method to improve the magnitude and stability of the Canadian dollar value of the company's global cash flows. Clearwater's unit holders were expecting a credible strategy and timeline that could, in the near term, stem the decline in the value of the units and reinstate distribution. The company's founders, who were also the largest unit holders, were committed to the long-term viability of the company, but a vast majority of the remaining investors were more interested in the short-term results. White was thus under pressure to present a viable strategy going forward. So, students, aapko bahut sare is presentation ke hawale se by the end आपकी ट्रेंड्स इन हेजिंग ट्रांजैक्शंस कुछ एग्जिबिट्स गिवन है करेंसी रेट एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स के हवाले से, सेल्स बाय ज्योग्राफी के हवाले से, सेल्स बाय करेंसी के हवाले से, सेल्स बाय स्पीशीज के हवाले से, कोटाज एंड टैक्स एंड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एटसेट्रा. तो स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जिबिट्स आपने देखे, 5-6 स्लाइड्स आपको गिवन है बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. कुछ सजेशंस, कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए, कुछ हमने आपको सजेस्ट किया है कि किस तरह से है. नाउ यू आर गोइंग टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी फॉर द क्लियर वाटर सी फूड सो दैट यू आर गोइंग टू ऑफर देम सम ऑफ द प्रोग्राम्स फाइनेंशियल हेज के तौर पे, नेचुरल हेज के तौर पे, या ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के हवाले से. व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द क्लियर वाटर सी फूड? ये आपके लिए चीज है, इट्स अ फूड ऑफ थॉट फॉर यू. आपने इस पे सोचना है और आपने अपने पास इसके लिए स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल हेजेस एंड द यूज ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इन द कॉन्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.